अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान शब्बीर। खुशामदीद आप सबको। आज मैं आपको ऐसा मशरूब बताने जा रहा हूं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब है। पानी के अंदर खजूर, अंजीर और अंगूर को भिगो कर रखना और बाद में इसको पीना है। इसको कहते हैं नबीज। नबीज के बनाने के लिए हमें ऐसा फल चाहिए कि जिसके बारे में शायद है कि ये जन्नत का फल है, यानी कि खजूर। और मैं ऐसे पानी में बनाऊंगा जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है, यानी कि जमजम। आप इसको अजवा खजूर के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि अजवा खजूर के बारे में भी हदीस है कि जो बंदा एक दिन में जिसने 7 खजूरें खाई उस पर पॉइजन या काला जादू मैजिक असर नहीं करता। अच्छा जी, जमजम अगर आप लोग अच्छा जी जमजम लेने के लिए आजकल हर जगह पर यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि ये देखिए पड़ा हुआ है। यहाँ से एक बोतल लेंगे और जो खजूरें वगैरह खजूरें आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई है। हाँ, किधर पड़ी हुई है? बल्कि यार मेरे पास है खजूर, मैं मदीना से लेके आया तो मैं रहने देता हूँ। अच्छा जी, आप जमजम ना भी यूज़ करना चाहे तो सादा पानी भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, मेरे पास जो अवेलेबल है ये सुपरी खजूर है, ये मैं मदीना से लेके आया था तो फिलहाल ये मेरे पास पड़ी है। आपने किसी किस्म की भी खजूर ले लेनी है। करीबन 4 से 5 खजूरें लेनी है आपने और इसको आपने धो लेना है खजूरों को वॉश करके, और खजूरों को आपने पानी में डाल देना है। मैं खजूरों को गुठली के बगैर डालू। मैं यूज करूंगा दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी, यानी कि जमजम। ये हो गया है तैयार और इसको भिगो के रखना है ओवरनाइट करीबन 10 से 12 घंटे के लिए, और फिर सुबह मिलते हैं आपको कि किस तरह पिएंगे इसको। अच्छा, इसको आपने नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसके अंदर रखना है। जैसे मैं ये किचन में आजकल मौसम अच्छा है तो इसी तरह छोड़ के जाऊंगा मगर ढक के। 12 hours later. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकरीबन ये 12 घंटे बाद इसकी ये कंडीशन है। तो इसको मैं करूँगा थोड़ा सा मिक्स, और जी ये इस वक्त 100% रेडी है। आपने बस इसी तरह ही इसको निहार मुँह पीना है सुबह सुबह उठ के। अच्छा नाज़रीन, ये 100% रेडी है। नबीस यानी आप खजूर का जूस भी कह सकते हैं इस वक्त जो ये बनाया। और इसका एक और तरीका भी होता है कि इसको इसी तरह आप ग्राइंड करके बिल्कुल पी सकते हैं, बल्कि मैं अभी थोड़ा इस तरह पीऊँगा, जो बाकी बचेगा उसको मैं ग्राइंड करके ही पीऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने पिया था बाकी आपको बताने के लिए कि इसको आप इस अंदाज से भी पी सकते हैं। ये इसके अंदर भी खजूरें सब कुछ, और इसको करेंगे बंद। ये जी तैयार हो चुका है, अभी इसको डालेंगे हम इसमें। अभी जो इसकी शक्ल है ये देखें, ये इस तरह की बन गई है। इसको मैं पीऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वाला थोड़ा पिया आपको बताने के लिए कि इस तरह भी इजी से पी सकते हैं आप इसको ग्राइंड करके। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश कर ली आपने इसको निहार मुंह पीना, और इसके बेतहा फायदे हैं। फ़ायदों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं मगर मुझे इतनी डिटेल अभी पता नहीं है, वो आप नेट से सर्च कर सकते हैं।